गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। दिस इज शुभम पांडे और आज मैं आपको कराने वाला हूँ इज मैटर अराउंड द स्फीयर का क्लास 9 का चैप्टर सेकंड का पार्ट 4। पार्ट 3 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं सस्पेंशन के ऊपर बात। क्या किसके ऊपर बात? सस्पेंशन, सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सस्पेंशन सबसे पहले होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल्स दैट विल सेटल ऑन स्टैंडिंग सैंड इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। ये क्या कहना चाह रहा है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ये क्या कह रहा है, सस्पेंशन एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। मैंने आपको बताया हाइड्रोजीनियस मिक्सचर आर दोस मिक्सचर जहां पर क्या दिखाई दे, दो फेज दिखाई दे। दो फेज मतलब जैसे हम सैंड और वाटर को मिलाते हैं तो हमको वाटर अलग से दिखाई देता है ग्लास में और सैंड अलग से दिखाई देती है। यहाँ पर वाटर होगा तो नीचे बैठी हुई क्या होगी, सैंड होगी। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल्स डेट विल सेटल ऑन स्टैंडिंग, मतलब क्या करता है वो, लार्ज पार्टिकल कंटेन करता है और वो जो कुछ देर बाद क्या होता है वो सेटल हो जाती है, स्टैंडिंग हो जाती है। मतलब जो सैंड है वो एग्जाम्पल इसने क्या बोला है, सैंड इज एन इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल इसने सैंड क्यों लिया है, जब हम इसको खोलेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी मतलब वहां पर सेटल होने के बाद मतलब क्या है, स्टैंड हो जाएगी एक जगह पर। क्या हो जाएगी, स्टैंड, सैंड। इसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये खुली रहती है, ऐसे करके खुली रहती है ना पानी में। जैसे ही हम इसको डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूट यहाँ पर क्या था, सैंड था, और सॉल्वेंट क्या था, वाटर। जब हम सॉल्यूट को डिस्टर्ब करना छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, और वो कहाँ पर बैठ जाता है, नीचे नीचे जाके बैठ जाती है वो पानी में। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसकी ओर से, फिल्टर पेपर की ओर से, ठीक है। जैसे हम फिल्टर करना चाहें इसको फिल्टर पेपर से तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। इट डज नॉट स्कैटर लाइट व्हेन पार्टिकल्स आर सेटल बिकॉज इन द केस सस्पेंशन ब्रेक। यहाँ पर जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। अब आप पूछेंगे जी टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आई विल टेल यू। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट आ रही है उसको जो है फैला देते हैं, ऐसे करके फैला देते हैं। मान लो कोई सिंगल लाइट इज कमिंग हेयर, यहाँ पर आ रही है सिंगल लाइट, सिंगल लाइट यहाँ पर आ रही है और ये पार्टिकल से टकरा के क्या हो जाता है, ये जो है डिप्रेस्ड हो, डिस्पर्स्ड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके पार्टिकल्स जो है फैलाने का काम नहीं करेंगे। इट मीन्स ये क्या नहीं शो करेगा, टिंडल इफेक्ट। इट शो टिंडल बिकॉज ऑफ देयर, ओ सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। इट डज नॉट स्कैटर लाइट व्हेन पार्टिकल्स आर सेटल्ड। हाँ बात तो ठीक लिखी हुई है लेकिन ये क्या कहना चाहता है कि जब जो लाइट है उसको स्कैटर नहीं करेगा, कब, जब उसके पार्टिकल्स जो है सेटल्ड होंगे, बिकॉज इन द केस सस्पेंशन ब्रेक। उस टाइम क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा। जब पार्टिकल्स सेटल्ड नहीं होंगे उस टाइम ये क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। जब पार्टिकल्स सेटल्ड होंगे उस टाइम ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, ना स्कैटर लाइट करेगा, लाइट को जो है फैलाएगा। इट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा इसके लार्ज साइज की वजह से पार्टिकल्स की। टिंडल इफेक्ट कब शो नहीं होगा सस्पेंशन के अंदर, जब जो लाइट जो सॉरी जो पार्टिकल्स जो है सेटल्ड हो जाएंगे तब शो नहीं होगा। सेटल्ड होने के बाद मतलब क्या, वो स्टैंड हो जाएंगे, स्टैंड होने के बाद जो इनके अंदर से लाइट नहीं निकलेगी। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज लार्ज इनफ टू विजिबल फ्रॉम नेक्ड आई। सिंपल सी बात है यार, सैंड हमको दिखाई देती है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देते हैं, इसलिए वो जो है नेक्ड आई से दिखाई देती है। इसके साइज जो है थोड़ा बड़ा होता है, दे आर ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, और वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा ही बड़ा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हाइड करो, अब देखो, हाइड करो,
बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले हम कोलॉइड। कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन आर कोलॉइड और कोलॉइडल सस्पेंशन आर नथिंग, होता है कुछ भी नहीं है, एक मिक्सचर होता है, बट अ मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर रेगुलरली सस्पेंडेड। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। अ कोलॉइड इज अ वेरी टाइनी और स्मॉल मटेरियल दैट इज स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली एंड सस्पेंशन। में क्या पढ़ा था कि एक बल्क मतलब वो जो है नीचे आकर के ऐसे करके बिखर जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, इमेज में देखो इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पर कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो उसका मटेरियल होता है, जैसे जो ये मटेरियल है वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता, फैल जाता है यूनिफॉर्मली ऑल सब्सटेंसेस में, हर सब्सटेंस में जो है बराबर फैल जाता है, जैसे यहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है, उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है किसका, सॉलिड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, फ्लूड का भी हो सकता है, ये मिक्सचर होता है और जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली हर एक सब्सटेंस में, ठीक है, बराबर, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब इस इमेज को समझते हैं, यहाँ पर हमको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो हमको बराबर बराबर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको हम स्टेबल कोलोइड बोलते हैं, इसको अनस्टेबल कोलोइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेबल कोलोइड है और वहां पर अनस्टेबल, यहाँ तक बात आई समझ में? कोलोइडल पार्टिकल्स कैन इजिली स्केटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मैंने क्या बोला कि कोलोइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो बीम ऑफ लाइट है उसको विजिबल शो करते हैं, मतलब स्कैटर मतलब फैला देते हैं, फैला देते हैं लाइट को, ठीक है, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड कैंट बी सीन बाय नेक्ड आई, ये जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, ये एक हेटरोजीनियस मिक्सचर होगा, इसके अंदर दो फेज होंगे, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेट, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है सस्पेंशन में उसको हम फिल्टर कर रहे थे लेकिन इसके अंदर फिल्टरेशन नहीं होगी, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन सस्पेंशन, सस्पेंशन से बहुत छोटा होगा साइज, सस्पेंशन में हमको दिखाई दे रहा था लेकिन इसमें हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, ये जो है एक स्टेबल मिक्सचर है, ठीक है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ, ये क्या कह रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे बॉटम अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब नीचे जाकर नहीं बैठेंगे, ठीक है, सेटल डाउन नहीं हो, इट इज एक स्टेबल मिक्सचर होगा। दे डू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड विच मीन्स कोलोइड इज क्वाइट स्टेबल, ये जब भी सेटल डाउन नहीं होंगे जब हम इसको डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे, ठीक है, ये स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कोलोइडल सॉल्यूशन की, एक तो फॉर्म में, इम्यूलेशन में, सोल में, और किसमें की गई है, एरोसोल में, हाइड्रोसोल में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार, ये बहुत आसान है। फॉर्म क्या होता है, हमने देखा होगा कई बार हम फॉर्म की चीज पकड़ते हैं, उसके अंदर कई बार गैस भी होती है थोड़ी थोड़ी, तो फॉर्म इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ये एक सॉल्यूशन है किसका, जब गैस किस में हो, लिक्विड में हो, द सब्सटेंस बीइंग डिस्पर्स वुड बी द गैस, जो सब्सटेंस इसके अंदर क्या होगा, फैलेगा, डिस्पर्स का मतलब फैलेगा, वो क्या होगा, गैस हो सकती है, वुड बी गैस है, ठीक है, ट्रिगरिंग द फ्लूइड टू बिकम फोर्थी एंड फॉर्मी, और ये क्या बना देता है, जो फ्लूइड है, जो बहने वाला पदार्थ है, उसको कैसा बना देता है, फॉमी टाइप में बना देता है, जैसे शेविंग क्रीम, उससे झाग निकलती रहती है ना, मतलब झाग बनी रहती है उसमें, जिससे हम ये शेविंग करते हैं दाढ़ी वगैरह की, तो उस ये जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर्म का, ठीक है। फॉर्म में क्या होता है, गैस का मिक्सचर होता है, गैस का सॉल्यूशन होता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो हेल्प करती है झाग बनाने में, उससे थोड़े थोड़े बबल्स दिखाई देते हैं, तो वो एक फॉर्म का ही एग्जाम्पल है। इम्यूलेशन क्या होता है, एन इम्यूलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड, ये जो है दो लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज बेसिकली व्हेन वन लिक्विड कंसिस्टेंटली डिफरेंस ऑल थ्रू आउट अनदर लिक्विड, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर पहला लिक्विड और यहाँ पर दूसरा लिक्विड है, जो पहले वाला लिक्विड है वो क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए दूसरे लिक्विड में, क्या हो जाए, दूसरे लिक्विड में क्या हो जाए, फैल जाए।
सैंपल ऑफ दिस वुड बी मायोनाइज और मिल्क. मायोनाइज सुना है आपने, जो हमबर्गर वगैरह खाते हैं उसमें व्हाइट कलर की क्रीम होती है, व्हाइट कलर की क्रीम होती है, तो वो एक एग्जांपल है किसका, है मायोनाइज का. मिल्क जैसे, मिल्क भी एक अच्छा एग्जांपल है मायोनाइज का. दो लिक्विड होते हैं उसमें, वाटर प्लस में एक दूध होता है, ठीक है, उसमें हमको दिखाई देता है ना, क्रीम भी होती है उसमें. तो ये सब क्या है, एक एग्जांपल है इमल्शन के, मतलब दो लिक्विड जिसमें एक लिक्विड डिस्पर्स होगा और वो क्या होगा, दूसरे के उस तक फैलेगा, मतलब दूसरे लिक्विड में भी फैलेगा, अपनी जगह बनाएगा, उसको हम इमल्शन बोलते हैं. सोल क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म होती है किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की. सोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड दैट इज इवनली डिस्पर्स थ्रू आउट अ लिक्विड. ये जो है सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें क्या डिस्पर्स होता है, फ्लूड, फ्लूड बहने वाला पदार्थ जो है डिस्पर्स होता है, फैलाई फैलता है. सैंपल ऑफ सॉलिड इंक्लूड पेंट, और सैंपल क्या होते हैं इसके, पेंट हो गया, एग्जाम्पल सिल्वर एक्वासोल्स हो गया, अधिकतर तो आप पेंट ही याद रखना, ठीक है. इसमें क्या होता है, दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ए जिसमें जो है डिस्पर्स होने वाला पदार्थ कौन सा होता है, फ्लूड होता है, बहने वाला पदार्थ. इफ द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, अगर बहने वाला पदार्थ जो है वाटर होगा, मीडियम जो है वाटर होगा, द कोलाइड मे बी कॉल्ड हाइड्रोसोल, वो क्या होगा, हाइड्रोसोल, ठीक है. एंड इफ एयर, अगर एयर होगा उसमें फुल मीडियम, मीडियम जो है एयर होगी तो उसमें क्या होगा, एरोसोल होगा. तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया होगा तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं, इसको थोड़ा और डीपली पढ़ाएंगे अगर आप जरूरत पड़ी तो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. तो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे हम नेक्स्ट उसमें. थैंक यू, बाय.